हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, आप सब ने इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंग वांगजी से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना नंबर वेंग को दे दे। फाइनली वांगजी अपना नंबर दे देता है। अब उन दोनों में फ़ोन पर बातें होने लगी थी। दिसंबर से जनवरी होने वाला था और सर्दी की छुट्टियां नज़दीक आ गई थी। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था। वांगजी अब अपना लंच ब्रेक लाइब्रेरी में नहीं बल्कि स्कूल की कैंटीन में बिताता था और वहीं वो लंच भी कर लेता था। वो वेंग, निये हुएसांग और जियांग चेंग के साथ अपना ज़्यादातर टाइम बिताता था। अभी भी लान वांगजी को इस सब की आदत नहीं थी, पर धीरे धीरे वो अपनी आदत डाल रहा था। वेंग वांगजी की प्लेट से सारी मिर्च को निकालकर अपनी प्लेट में रखता जा रहा था। वो वांगजी से कहता है कि मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा यूनमेंग में अपने घर पर खाना खाने के लिए, और जिए जिए घर पर हमारे लिए खाना बनाएंगी। वेंग बहुत खुश था यह सोचकर। जियांग चंग कहता है कि मुझे तो सूप की याद आ रही है। वेंग ये सुनकर कहता है, डिलीशियस डिलीशियस सूप, ना कि यहाँ की तरह का दवाई के टेस्ट वाला सूप। वो कहता है कि मेरे पास एक कफ सिरप है जिसका टेस्ट बिल्कुल इस सूप की ही तरह है। तभी निये हुएसांग कहता है कि मैं तो अपने घर नहीं जाना चाहता, मेरे पेरेंट्स मुझे मार डालेंगे। वो कहता है कि मेरे नंबर काफ़ी कम आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इस दीवार में गायब हो जाऊँगा। वो वांगजी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि मेरे भाई ने मुझे लंदन से कॉल किया था सिर्फ मुझ पर चिल्लाने के लिए। फिर वो वांगजी से कहता है कि मेरे भाई ने तुम्हें हाय बोला है। आज तक उन्होंने अगर किसी चीज़ के लिए मुझे हाँ कहा है तो वो है तुम्हारे साथ रहना। वेंग वांगजी से कहता है कि ला वांगजी, क्या तुम निये हुएसांग के भाई को जानते हो? वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, निये मिंगजुए और मेरे भाई अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ पर साथ ही में पढ़ाई की थी और अब सेम यूनिवर्सिटी में हैं। वांगजी जानता था कि निये हुएसांग के ऊपर औरों की बजाय काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था अच्छे नंबर लाने का, क्योंकि उसका भाई निये मिंगजुए काफ़ी अच्छा था एकेडमिक्स में। उसे निये हुएसांग के लिए थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। वांगजी सोचता है कि अगर वो अपने भाई की तरह अच्छा ना होता पढ़ने में तो उसका क्या होता। तभी निये हुएसांग सबसे कहता है कि क्या आज तक तुम में से किसी को जिन गुआंगयाओ से मिलने का मौका मिला है? वांगजी कहता है कि नहीं। वो कहता है कि जिन गुआंगयाओ लान शिचेन और निये मिंगजुए का यूनिवर्सिटी टाइम का फ्रेंड था, पर उसने गोसू में पढ़ाई नहीं की थी। निये हुएसांग धीरे से वांगजी से कहता है कि उसको अलाउ नहीं किया गया था यहाँ पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके पापा फ़ीस नहीं देते और उसकी मम्मी इतनी फ़ीस खुद से दे नहीं पाती। वो कहता है कि गेस करो उसके फादर कौन है? वांगजी कहता है कि नहीं। वांगजी को एहसास हो गया था कि इससे गॉसिप स्टार्ट हो जाएगी। वेंग कहता है कि क्या जिन गुआंगयाओ का जिन जीशुआन के साथ कोई रिलेशन है? निये हुएसांग कहता है कि वो दोनों सेम हैं, किसको पता था कि जिन जीशुआन का एक भाई भी है। तभी जियांग चंग वेंग से कहता है कि हमें कैसे नहीं पता चला ये सब। वेंग कहता है कि इसका मतलब जिन जीशुआन के डैड अच्छे नहीं हैं। वो कहता है कि थैंक गॉड जिए जिए ने उस पीकॉक से ब्रेकअप कर लिया था फॉरेन जाने से पहले। कैसा लगता अगर जिए जिए की शादी उस फैमिली में हो जाती जहाँ पर एक और भाई अचानक से आ गया हो। जियांग चेंग ये सुनकर वेंग से कहता है कि अच्छा है जब तक वो वापस नहीं आ रहा। निये हुएसांग कहता है कि जिन जीशुआन वापस ज़रूर आएगा, वरना ये रियल इस्टेट एम्पायर को संभालेगा कौन? जिन गुआंगयाओ की अभी भी कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है उस फैमिली में, और वो जिन गुआंगशान वो भी अच्छा नहीं है, वो भी बहुत बुरा पर्सन है। वो तो काफ़ी इम्प्रेस्ड है कि जिन गुआंगयाओ किंग कॉलेज में जगह पा गया बिना किसी तैयारी के। वेंग कहता है कि जिन जीशुआन हमारी सिस्टर को डिज़र्व नहीं करता, वो बहुत बुरा है। वो जियांग चंग से कहता है कि क्या तुम इमेजिन भी कर सकते हो जिन जीशुआन को एज अ पार्ट ऑफ फैमिली उसके फादर लोटस स्पीयर को ख़रीदने की कोशिश करेंगे? तभी जियांग चंग कहता है कि नहीं, कोई नहीं खरीदेगा लोटस स्पीयर को। वो वेंग से कहता है कि क्या तुम मुझे डराना चाह रहे हो वेंग?
वेंग वांगजी से कहता है कि वांगजी, क्या तुम जिन जीशुआन से मिले हो कभी? मेरी सिस्टर और जिन जीशुआन तुम्हारे भाई के साथ इसी जगह से पढ़े हैं, कितना बेकार है ना ये सब। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं उनसे सिर्फ स्कूल इवेंट्स के टाइम पर ही मिला हूँ। वेंग वांगजी से कहता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर बहुत अच्छी लगेगी, वो इस दुनिया की सबसे स्वीटेस्ट पर्सन है। वो वांगजी से कहता है कि कभी तुम्हें यूनमेंग ज़रूर आना चाहिए, ताकि तुम जिए से सही से मिल सको और रिजॉर्ट भी देख सको। वेंग कहता है कि यूनमेंग बहुत अच्छा है, वहाँ पर कई सारे लेक्स हैं तैरने के लिए, लोटस सीड्स हैं, अच्छा खाना है और खूबसूरत लड़कियाँ भी हैं। वो वांगजी से कहता है कि गर्मी की छुट्टियों में तुम्हें यूनमेंग को प्रॉपर्ली दिखा सकता हूँ मैं। वांगजी सूप पी रहा था, वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके अंकल उसको हाँ भी बोलेंगे यूनमेंग जाने के लिए, लेकिन अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो वो सोचता है कि फिर वो गर्मी की छुट्टियाँ किसी लेक पर तैरते हुए और वेंग के साथ बिताएगा, लोटस सीड्स शेयर करेगा और रात में वेंग के साथ कमरे में सोएगा। वांगजी इतने भयानक सपने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। तभी निवेहसांग कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मेरा इन्विटेशन कहाँ है? वेंग रिप्लाई देता है और कहता है कि ओह निवेहसांग, तुम भी आ सकते हो। निवेहसांग ये सुनकर कहता है कि थैंक यू। जेंग चंग नाक सिकोड़ते हुए कहता है कि जब वेंग के आसपास वांगजी होता है उतने टाइम वेंग को कोई और नज़र नहीं आता। ये सुनते ही वेंग टेबल के नीचे जंग को अपने पैर से किक कर देता है। लान वांगजी ये सब सुन रहा था और सोचता है कि जल्द से जल्द उसे लाइब्रेरी चले जाना चाहिए। तभी वेंग लान वांगजी को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो वांगजी की तरफ नहीं जियांग चेंग की तरफ देख रहा था। वेंग की आंखों में एक अलग ही चमक थी जो वांगजी ने आज से पहले नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वेंग जियांग चेंग को वार्न कर रहा हो। वांगजी वेंग को रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ बोलो। वेंग हल्का सा मुस्कुराता है और वांगजी से कहता है कि मुझे अपना फ़ोन दो। वांगजी उससे कहता है कि तुम्हारे फ़ोन को क्या हुआ? वेंग कहता है कि प्लीज़ वांगजी दे दो ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी को कॉल नहीं करूँगा। वांगजी अभी भी हिचकिचा रहा था, पर फिर भी वो अपना फ़ोन अनलॉक करके वेंग को दे देता है। वेंग फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स को ओपन करता है और वांगजी के भाई का नंबर अपने फ़ोन पर सेंड कर देता है। वांगजी ये देखते ही अपना फ़ोन खींच लेता है, लेकिन तब तक वेंग अपना काम कर चुका था। वांगजी थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है। वो वेंग से कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? वेंग वांगजी को रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का नंबर अपनी बहन को दूंगा। वांगजी कहता है कि क्यों, आखिरकार क्यों? तो वेंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो पुराने स्कूल फ्रेंड्स हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा से मिलना चाहिए। वांगजी वेंग को घूर रहा था। वेंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हो सकता है फिर उन दोनों को प्यार हो जाए और मेरी बहन उस जिन जीशुआन के बारे में भूल जाए, है ना ये सब फुल प्रूफ प्लान। वांगजी गुस्से में था, उसका मन कर रहा था कि वो वेंग की पिटाई कर दे, पर वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लेता है। ये सब देखकर जियांग चंग शर्म से अपना चेहरा छुपा लेता है और वो वेंग से कहता है कि तुम्हारा दिमाग किस तरह से काम करता है। हाँ वो दोनों अभी तो सेम कंट्री में भी नहीं है, तो मिलेंगे कैसे फिर? वेंग रिप्लाई देता है कि स्काइप है ना। वो कहता है कि इससे कोई नुकसान तो नहीं है, बस फ़ायदा ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सा सेंस ऑफ रोमांटिक लेकर आओ ना, सेंस ऑफ रोमांस लेकर आओ ना तुम सब। वांगजी अपनी ट्रे उठाकर वहाँ से जाने लगता है। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा क्यों है। वेंग सही तो कह रहा है, इसी बहाने दो लोग एक दूसरे से हाई हेलो कर पाएंगे, लेकिन ये सब सोच करके भी वांगजी को थोड़ा अजीब लग रहा था। वेंग वांगजी को ऐसे जाते देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो वांगजी से कहता है कि क्या तुम उस पर गुस्सा हो? वांगजी प्लीज़ गुस्सा मत होना, अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कुछ भी। वांगजी कहता है कि इट्स फाइन। वेंग बहुत खुश था, वो कहता है सच में? वांगजी रिप्लाई देता है कि तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वेंग वांगजी से कहता है कि फिर तुम अपसेट क्यों हो? वांगजी कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि खुद उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अभी तक वो सर्दी की छुट्टियों के लिए खुश था, पर उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो खुश होना चाहिए था कि फाइनली अब वो अपने घर पर अपनी बुक्स के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पीसफुल होकर टाइम बिता पाएगा। फिर वो वेंग की तरफ देखता है और सोचता है कि उसे वेंग की याद आएगी। वांगजी वेंग से कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और वेंग को बोलता है कि तुम नंबर सेंड कर दो और अब हमें क्लास में चढ़ना चाहिए। वेंग ये सुनकर कहता है ओके। वो दोनों क्लास में पहुँच चुके थे।
जियांग चंग और निये हुए सांग काफ़ी मिनट्स बाद क्लास में पहुंचते हैं। विंग वांगजी की तरफ वांगजी के डेस्क के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम बाद में पढ़ने के लिए आओगे। वांगजी कहता है कि नहीं। विंग उसे पूछता है कि आज रात क्या है। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि आज पियानो क्लास है मेरी। वेंग वांगजी से कहता है कि लानर गागा तुम कितने टैलेंटेड हो ना, लेकिन तुम मेरे लिए कब बजाओगे। फिर वो कहता है कि हो सकता है एक दिन तुम मेरे लिए पियानो ज़रूर बजाओ। तभी जियांग चंग आता है और वेंग से कहता है कि अगर तुम्हारा मन हो तो डिनर करने चलें, शाम की पढ़ाई से पहले बास्केटबॉल गेम होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द जाना खाना पड़ेगा। वेंग ये सुनकर जियांग चंग से कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और फिर वो लवांगजी से कहता है कि तो फिर हम कल मिलते हैं। वांगजी वांगजी चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। उसी शाम पियानो प्रैक्टिस के दौरान वांगजी को उसके भाई लैन शिचेन का मैसेज आता है। वो कहता है शियांग जेंग मैं देख रहा हूँ कि तुमने वे वुशैन से दोस्ती कर ली है। वांगजी अपना सर पियानो के ऊपर रख देता है और अपने मन में सोचता है कि फ्रेंड्स, हाँ वो और वेंग से फ्रेंड्स ही तो हैं ना, परफेक्ट। न्यू ईयर की शाम थी। लैन फैमिली का डिनर एक प्राइवेट रूम में होता था सिटी के एक विशेष होटल में। वांगजी अपने ग्रैंडफादर को बो करके रिस्पेक्ट देता है। उसके बाद उसके कई सारे रिलेटिव्स भी थे जिन्हें वो बो डाउन होकर रिस्पेक्ट देता है। वांगजी को अपने भाई लैन शिचेन के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वांगजी अपने भाई की तरह ज़्यादा सोशल नहीं था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे वांगजी को अपने भाई की याद और ज़्यादा आने लगी थी। 9 बजे तक डिनर ख़त्म हो गया और 10 बजे वांगजी अपने अंकल के अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। उसके अंकल वांगजी के बगल में बैठे थे। तभी वांगजी का फ़ोन जो कि टेबल पर रखा हुआ था वाइब्रेट करता है। वे वुशैन ने फ़ोटोज़ और मैसेजेस भेजे थे। उनमें कई तरह के खाने की फ़ोटोज़, जियांग चंग की खाना खाते हुए एक फ़ोटो, उसके सिस्टर जियांग यानली की फ़ोटो, एक ग्रुप में फ़ोटो थी लेकिन वेंग उसमें ब्लर हो गया था। तभी उसके पास वेंग की एक सेल्फी फ़ोटो आती है। वेंग ने उसमें चॉपस्टिक से डंपलिंग को पकड़ रखा था। वेंग हंस रहा था और लास्ट फ़ोटो में वो डंपलिंग वेंग के मुँह में थी। वांगजी के दिल में न जाने क्यों एक हलचल सी होने लगी। फिर एक मैसेज आता है, उसमें वेंग ने लिखा था, क्या तुम्हारा डिनर हमारे डिनर की तरह अच्छा था, प्लीज़ मुझे फ़ोटोज़ भेजो ना। वांगजी थोड़ा हेजिटेट करते हुए मैसेज करता है कि वेंग मैंने कोई फ़ोटो नहीं ली। उधर से वेंग का रिप्लाई आता है, और वांगजी क्या तुम गाला देख रहे हो। वांगजी गाला की तरफ ज़्यादा नहीं देख रहा था पर वो ऑन ज़रूर था। वेंग मैसेज करता है कि मुझे नहीं लगता इस बार गेट्स ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि एंडी लाओ काफ़ी कूल है। वांगजी के इस बारे में कोई थॉट्स नहीं थे। तभी वेंग वांगजी से पूछता है कि अभी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम गाला देख रहे हो, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम नहीं देख रहे हो के। वेंग उससे कहता है कि मुझे अपनी फ़ोटो भेजो। वांगजी सोचता है कि वो अपनी बुक और कप की फ़ोटो भेज दे। फिर से वेंग कहता है, अर गागा रात के 12 बजे तक जगोगे क्या। वांगजी कहता है हाँ हो सकता है। फिर वेंग रिप्लाई देता है, प्लीज़ मेरे साथ जगो। वांगजी दोबारा से अपना फ़ोन टेबल पर रख देता है। उसे लग रहा था कि वो इन सब चीज़ों के लिए बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जगा रहता है। 12 बजते ही वेंग का मैसेज आता है, लैनजेन नियन नियन यून यू। उसके साथ उसने पटाखों की इमोजीज भी भेजी हुई थी। वांगजी भी वेंग को हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। तभी लैंडलाइन पर फ़ोन आता है। वो कॉल लैन शिचेन की थी, वांगजी और अंकल को न्यू ईयर विश करने के लिए। वो कहता है, हेलो वांगजी। वांगजी अपने भाई को न्यू ईयर विश करता है। लैन शिचेन वांगजी से कहता है कि तुम कैसे हो, क्या तुम सोने जा रहे हो। वांगजी रिप्लाई देता है कि हाँ लगभग। लैन शिचेन उसे कहता है कि सॉरी मैं इस साल घर नहीं आ पाया, ग्रैंडफादर ठीक तो है ना, डिनर कैसा रहा। वांगजी कहता है कि सब अच्छा है। फिर वो वांगजी से कहता है कि क्या तुम अपने नए दोस्तों की याद नहीं आ रही। वांगजी चुप था। तभी लैन शिचेन कहता है कि वे वुशियन कैसा है, मैंने सुना है कि वो सबसे काफ़ी अलग है। वांगजी धीरे से कहता है कि हाँ। वो वांगजी से कहता है कि तुम्हें तो वे वुशियन को थैंक यू बोलना होगा मेरा फ़ोन नंबर यानली को देने के लिए, उससे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
वांगजी इस बार भी चुप था। लांग शिचन वांगजी से कहता है कि जियांग यानली से मैंने सुना था कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हो। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि हम एक ही क्लास में हैं, हमारे पास एक दूसरे को देखने के अलावा कोई चॉइस है क्या। लांग शिचन कहता है ओके, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए हो। वो लांग शिचन से कहता है कि वेंग ने मुझे मैथ्स और फिज़िक्स में हरा दिया था। वांगजी बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था, उसको अच्छे से पता था कि उसका भाई इसके बारे में नहीं पूछ रहा था, पर वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जवाब क्या थे। लांग शिचन हंसता है और कहता है कि अच्छा। वो वांगजी से कहता है कि ये अच्छा है कि तुमने दोस्त बना लिए हैं, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। वांगजी सोचता है दोस्त, हाँ वो दोस्त ही तो है हम और मैं और वेंग। वांगजी अपने भाई से कहता है कि मुझे अब सोने के लिए जाना चाहिए। उसको पता था कि वो अपना पीछा छुड़ा रहा था और ये बात वांगजी को बहुत अच्छे से पता थी। लांग शिचन कहता है ऑफ कोर्स तुम थक गए होगे, गुड नाइट और नए साल को अच्छे से स्टार्ट करना। लांग वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है थैंक यू ब्रदर। फिर वो अपने भाई को गुड नाइट बोलकर फ़ोन काट देता है। वांगजी को कल न्यू क्लोथ्स पहनकर अपने ग्रैंडफादर को न्यू ईयर विश करना था, उसे टेंपल भी जाना था ताकि उसका नया साल अच्छा हो, ताकि वो फोकस्ड रहे अपनी पढ़ाई पर और उसके दिल और दिमाग में जो इमोशंस चल रहे थे वो उसे कंट्रोल कर सके। लेकिन जैसे ही वो अपने बेड पर लेटा सोने के लिए, वैसे ही उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर उसे उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। लैंटर्न फेस्टिवल आ गया था, घूसू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, चारों तरफ पेपर से बनी लालटेन थी, पूरा आकाश चमक रहा था। वांगजी इधर उधर घूम रहा था और कपल्स को देख रहा था। उधर वेंग पिछले आधे घंटे से वांगजी के फ़ोन पर लैंटर्न फेस्टिवल्स की फ़ोटोज़ भेजता ही जा रहा था। वांगजी सोचता है कि क्या वेंग कभी फ़ोटोज़ भेजना बंद भी करेगा। तभी वेंग अपनी एक सेल्फी भेजता है जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था। वेंग की वैसी फ़ोटो आज तक वांगजी ने कभी नहीं देखी थी। वेंग ने मैसेज में लिखा था वांगजी काश तुम यहाँ होते। वांगजी टेंशन में आ गया था, हज़ारवीं बार वांगजी सोचता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। वेंग का एक लुक वो भी फ़ोटो में ही काफ़ी था उसके दो हफ्ते के रिजोल्यूशन को तोड़ने के लिए। वांगजी खोया हुआ था अपने ख्यालों में, उसके दिल में कई सारे इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे थे। उसे वेंग की याद आ रही थी, उसको आदत नहीं थी लोगों को याद करने की, उसे अपने भाई की भी कभी कभी याद आती थी पर ऐसी फीलिंग कभी भी नहीं हुई उसे। लेकिन वेंग की याद उसको तकलीफ दे रही थी, उसके दिल में एक बेचैनी सी थी। वांगजी को आदत थी अकेले रहने की, लेकिन अब एक पर्सन का ना होना वांगजी को अंदर ही अंदर खाता जा रहा था। वांगजी बिना रिप्लाई किए अपना फ़ोन वापस से पॉकेट में रख लेता है। वो अपने सीने पर हल्का सा मसाज करता है ताकि वो अपनी तकलीफ़ को थोड़ा सा कम कर सके। फाइनली वो मुड़ता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। बाकी की सर्दी की छुट्टियां, सुबह के स्विमिंग सेशन, प्राइवेट ट्यूटर्स, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, इस सब में निकल गया था। वांगजी का स्टडी शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक था। कुछ सब्जेक्ट्स लंचरन पर्सनली देखता था, लेकिन शाम का समय वांगजी का होता था, चाहे वो जो करे फिर उसमें। वेंग रोज़ उसको टेक्स्ट मैसेजेस करता था, पिक्चर्स के साथ लोटस पियर रिजॉर्ट की काफ़ी खूबसूरत फ़ोटोज़ भेजता था। वेंग जो फ़ोटोज़ सेंड करता था वो काफ़ी कलरफुल होती थी। वांगजी वेंग के इनविटेशन के बारे में सोच रहा था कि गर्मियों में लोटस पियर कैसा लगता होगा। वांगजी को पता था कि ये सब काफ़ी खूबसूरत था, पर फिर भी उसे ये सब एक डिस्ट्रैक्शन जैसा लगने लगा था। उसने न्यू ईयर के जो रिजोल्यूशन बनाए थे वो सब बेकार होते नज़र आ रहे थे। फरवरी का एंड होने वाला था और गुसु एकेडमी में स्टूडेंट्स वापस आने लगे थे। मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो गई। वांगजी ने क्लासेस ऐसे स्टार्ट करी जैसे उसने उन सबको छोड़ दिया हो। ये सब वांगजी के लिए आसान नहीं था। तभी उसे वेंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो वांगजी से कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, लेकिन वांगजी उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और वेंग को ऐसे देखने लगता है जैसे वेंग उसके और उसके करियर के लिए नुकसानदायक हो। तभी जियांगचंग कहता है कि तुम्हें कौन याद करेगा, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें युनमेंग में ही छोड़कर यहां आता। वेंग कहता है कि तुम सब मुझसे प्यार करते हो।
वांगजी ध्यान से अपने वर्कबुक को देखता है और टेबल पर रखता है। वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि उसके दिल में जो हलचल हो रही थी वो उसे कंट्रोल कर सके। टाइम बीत गया, एग्ज़ाम फिर से नज़दीक आ गए। सबकी एक्टिविटीज़ शेड्यूल फिक्स्ड थे। वांगजी ने स्विमिंग टीम में हिस्सा लिया था और वेंग और जियांग चेंग ने टेनिस में। निया ह्यूसांग फाइन आर्ट्स में था। निया ह्यूसांग जियांग चेंग से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि प्रोफेसर ल्यूंग मुझे हिस्ट्री का एग्ज़ाम दोबारा से देंगे। वो कहता है कि काश ऐसा हो, वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे दें अगर मैं उनके पैरों में गिर जाऊं और थोड़ा रो दूं। जियांग चेंग कहता है क्या एक्स्ट्रा क्रेडिट, तुम प्री स्कूल में हो क्या जो तुम्हें एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेंगे, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, भूल जाओ ये सब। न्यू ह्यूसांग अपनी ट्रे के ऊपर ही गिर जाता है और कहता है कि मेरा भाई उड़ करके घर आएगा सिर्फ मेरा मर्डर करने के लिए, मेरे पेरेंट्स का एक ही बेटा रहेगा। वो कहता है कि सारे सब्जेक्ट्स में मुझे हिस्ट्री में ही फेल होना था। वो अपना सर टेबल से लड़ा लेता है। वांगजी उसकी ट्रे को गिरने से बचाता है। निया ह्यूसांग का डर हर रोज़ बढ़ता ही जा रहा था। वेंग उसे कहता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी फैमिली बिजनेस को तुम्हें ही देखना है, तुम्हारा भाई देखेगा ना सारा बिजनेस, और मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें ज़रूर बताएगा कि आगे की लाइफ के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। निया ह्यूसांग कहता है कि मैं कभी अपने भाई को फॉलो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं ये प्रे कर रहा हूँ कि कोई ऐसा कॉलेज हो US में जो मुझे एक्सेप्ट कर ले। वेंग कहता है कि मैं तो कभी कभी भूल ही जाता हूँ कि यहाँ के सारे स्टूडेंट्स फ्यूचर एलीट्स हैं। जियांग चेंग कहता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम्हें यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है या तुम यहाँ का पार्ट ही नहीं हो। वेंग कहता है कि मुझे पता है कि मैं बहुत लकी हूँ और पूरी दुनिया को जीतने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वांगजी वेंग से थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है और कहता है कि ऐसा मत कहो। वेंग वांगजी को रिप्लाई देते हुए कहता है कि डोंट वरी, मुझे पता है कि मैं किस काबिल हूँ, लेकिन मैं डेफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। वांगजी गुस्से में था, वो उससे कहता है कि कौन कह रहा था तुम्हारे बारे में ये सब। वेंग बात को ख़त्म करने के इरादे से कहता है कि मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, मैं MIT ज़रूर चाहूँगा और मुझसे नफ़रत करने वालों को मिट्टी में मिला दूँगा। वो वांगजी से कहता है कि तुम देखना ज़रूर अगर मैं ना भी देख पाऊँ। जियांग चेंग कहता है कि कठिनाइयों से होकर ये तो हम मज़बूत बनेंगे और मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। वेंग रिप्लाई देता है कि अच्छा है, क्योंकि एक डेड बॉडी की तरह तुमको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर तुम वहाँ एडमिशन नहीं ले पाए तो आंटी यू तुम्हें खुद मार डालेंगे। जियांग चेंग मुँह बनाते हुए वेंग से कहता है कि तुम्हें मुझे ये सब याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। वेंग हंसते हुए कहता है कि ओ जियांग चेंग, मुझे यकीन है कि तुम्हें ज़रूर एडमिशन मिल जाएगा वहाँ पर। वांगजी देख रहा था कि वेंग अपनी प्लेट से बीन्स को उठाकर वांगजी के खाली बाउल में रख रहा था, लेकिन वांगजी को ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था कि लोग वेंग को बेकार समझते हैं। वांगजी को वेंग पर यकीन था कि वो बहुत टैलेंटेड है। तभी निया ह्यूसांग कहता है कि तो बताओ मेरे साथ केमिस्ट्री एग्ज़ाम देने के लिए कौन तैयार है। वेंग उससे कहता है कि ये हुई ना स्पिरिट। जियांग चेंग निया ह्यूसांग से कहता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने पढ़ाई करी हो। निया ह्यूसांग रिप्लाई देते हुए कहता है कि ऑफ़ कोर्स, मैंने आयरन शेफ के 6 एपिसोड्स देखे हैं पिछली रात को, जिसमें मोरीमोतो ने लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ की थी। वो कहता है कि खाना बनाना ही केमिस्ट्री तो है। फिर वो सब अपनी अपने खाने की ट्रे को रख देते हैं और क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए। सो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा ये आज का पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।